हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सारी बातें। आज हम एक कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे और यहाँ पर मैंने 8.5 पर इस तरह से डबल फोल्ड किया है इस फैब्रिक को, और जो अनइवन कपड़ा है उसे मैं इस तरह से स्ट्रेट कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आर्म होल का हाफ यानी 5 इंच है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए 5.5 पर एक मार्क लगाया, एक मैंने 10 इंच पर लगाया और एक मैंने 15 इंच जो हमारा हिप मार्जिन है, और इस कुर्ते की लेंथ है 20 इंच, तो वहां तक मैंने इस तरह से मार्जिन्स लगा दी है। 4 मार्जिन्स इस तरह से मैंने अटैच की, और यहाँ पर हम वेस्ट चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। 23 का 4th पार्ट होता है। इस तरह से आप इंची टेप को फोल्ड करके भी देख सकते हैं जो कि 6.25 इंच आ रहा है। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूंगी और इसी तरह से 1/2 इंच कम करते हुए मैंने वेस्ट के लिए लिया, और जो हिप का मार्जिन है वो सेम चेस्ट के मार्जिन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लेना है। और जो हमारा घेरा बनेगा वो मैंने यहाँ पर जो स्टार्टिंग में 8.5 लिया था वो पूरा घेरे का ही फैब्रिक था, इसीलिए मैंने उसे 8.5 में फोल्ड किया था। अब ये हल्का सा आर्म होल का शेप दे दिया है मैंने वहाँ पर, और शोल्डर के लिए भी मार्जिन लगा दी थी। सेम मैंने बैक के लिए भी इस तरह से फैब्रिक को कट कर लिया है, और जो फ्रंट का फैब्रिक है वहाँ पे हल्का सा इस तरह से हम लोग अंदर में दबाएंगे और फैब्रिक को, और ये मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने फ्रंट पे लिया है आर्म होल के लिए। यहाँ पर 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ गले की डेप्थ, और पर मैं यहाँ पर हाई नेक बना रही हूँ इसलिए मैंने वहाँ पर 2 इंच लिया है इस तरह से, और हल्का सा राउंड शेप दे दूंगी। अब इसे हम पहले जो हमारा फ्रंट का ओपनिंग होता है वहाँ पर मैं 7.5 इंच पर एक मार्जिन लगा रही हूँ, और इसे इस तरह से शोल्डर पे 1/2 इंच मैंने डाउन किया, इस तरह से इसे कट कर लिया है, और बैक के पोर्शन में भी सेम 1/2 इंच डाउन किया, और बैक में जो गले का डेप्थ है वो ओनली 1/2 इंच मैंने रखा है इस तरह से, और हल्का सा राउंड दे दूंगी वहाँ पर भी और इसे कट कर लेंगे। ये हमारा बैक का पैनल रेडी और फ्रंट का, इसे जो 7.5 पर हमने मेजर किया था वहाँ कट कर दिया है। अब स्लीव्स के लिए भी मैं 4 फोल्ड में इस तरह से फैब्रिक को रखा और 30 इंच में यहाँ पर उसकी मार्जिन ले रही हूँ, और 2.5 इंच पर इस तरह से मैंने डाउन किया है, और जो हमारी राउंड है वो 3.5 आ रहा है स्लीव्स का, इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे, और ये हमारी दोनों स्लीव्स रेडी है। और फ्रंट की साइड पर हल्का सा उसे दबाएंगे जैसे नॉर्मली हम स्लीव्स में करते हैं। ये हमारी स्लीव्स का सेंटर में कट कर दिया है, और जो हमने फ्रंट कट किया था बटन के लिए वहाँ पर मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो 3 इंच का चौड़ाई है और इस तरह से उसमें 2 इंच ऐड करते हुए उसकी लंबाई ले ली है। इस तरह से ये हमारा 6.5 इंच पर ये फैब्रिक है और ये 3 इंच है, और सेकेंड भी मैंने उसी तरह से लिया लेकिन यहाँ पर हल्की सी चौड़ाई कम ली है, और 1 इंच का इस तरह से बकरम काट लिया, कैनवास भी बोल सकते हैं इसे, और बीच से फोल्ड करते हुए इस तरह से मैंने उसका शेप दे दिया है, और उसे हल्की सी मार्जिन 1/2 इंच छोड़ते हुए हमने उसे पेस्ट कर लिया है जो 3 इंच का फैब्रिक था उसके ऊपर। और ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड होगा फर्स्ट फोल्ड, और दूसरा फोल्ड भी हम लोग इसी तरह से हल्का सा एक फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखेंगे ताकि वो हल्की एक दोरे की जो मार्जिन होती है उतनी ही उसमें दबे। इस तरह से इसे हमने उसके ऊपर फोल्ड कर दिया और थोड़ा सा अच्छी तरह से आयरन कर दिया है ताकि वो मूव ना हो, और जो कॉर्नर शेप्स है वहां पर भी हम इसे हल्का सा 1 इंच जितना फैब्रिक डाउन की तरफ काट लेंगे ताकि जहाँ कॉर्नर है वहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की वजह से शेप हमारा बिगड़े नहीं। ये देखिए, और इस तरह से कॉर्नर में भी आप इसे इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी फिनिशिंग भी आएगी आपकी, और ये हमारा एक साइड का बटन पैनल रेडी है कुर्ते का, और उसी तरह से हमने जो 2.5 इंच का जो दूसरा पैनल काटा था उसमें भी सेम 1/2 इंच के मार्जिन लिया, उसे फोल्ड किया, फिर सेकेंड साइड पर भी हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाया और उसे भी इसी तरह से फोल्ड कर दिया, और उसको भी अच्छे से आयरन कर दिया है। अब ये दोनों किस तरह से फिक्स करेंगे ये देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है जो फ्रंट का है, उसकी भी बैक साइड पर
अब हम इसे जो हमारा बकरम के बिना वाला जो पैनल है, ये देखिए ये बैक साइड है, उसके ऊपर हम इसे स्टिच करेंगे। जहां पर मैंने हाफ फोल्डिंग की है उसे मैं इस तरह से प्लेस कर रही हूं और वहां पर हम स्टिच लगा देंगे। ये फैब्रिक 1 मीटर का फैब्रिक है, इससे आप आराम से 5 साल की बेबी के लिए बना सकते हैं, इवन 7-8 साल के बच्चे तक का भी ये आराम से बन जाएगा। और ये देखिए मैंने इस तरह से जहां पर हाफ इंच मैंने फोल्ड किया था उसी मार्जिन पे स्ट्रेट मैं स्टिच कर रही हूँ, और जहां पर हमारा कट फिनिश हो रहा है वहीं से हम उसे निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम कट कर लेंगे। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है ताकि वो अच्छे से फिनिशिंग आए जब हम इसे फ्रंट की तरफ फोल्ड करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने हटा लिया है और अब इसे फ्रंट की साइड पर घुमाते हुए और जो अंदर में एक्स्ट्रा सिलाई का जो फैब्रिक आया है उसके ऊपर इस तरह से इसे फिक्स कर लीजिए अच्छे से, और उसके ऊपर भी एक स्टिच लगा लीजिए। ये देखिए ये हमारा एक साइड का रेडी हो गया है। और अब मैं जो सेकंड है उसे भी सेम हाफ इंच सेकंड साइड की पैनल में लगाऊंगी। इसे मैंने नीचे से स्टार्ट किया है, जहां से कट है वहीं से मैं इसे स्टिच कर रही हूँ एक, और उसे भी मैं बैक साइड पर लेके आऊंगी। इसे हमने फ्रंट साइड से लगाया है और उसके ऊपर भी एक स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, और जहां पर ये एंड हो रहा है और दूसरा पैनल है उस दोनों को फिक्स करते हुए एक ट्रायंगल शेप में हम इसे नीचे में इस तरह से इसको शेप दे देंगे और दोनों पैनल को फिक्स कर देंगे डाउन की साइड पर। ये देखिए इस तरह से, और ये अच्छे से हमारा शेप भी रेडी हो गया। अब पॉकेट के लिए मैंने 4 इंच बाय 4 इंच का एक फैब्रिक लिया है, जिसके लिए मैंने एक साइड पर डबल फोल्ड किया जो ऊपर में लगेगा और साइड साइड में हाफ हाफ इंच का इस तरह से मैंने फोल्ड किया और सेंटर से इक्वली फोल्ड किया ताकि नीचे में हल्का ट्रायंगल शेप दिखे जो पॉकेट्स में होता है इस तरह से। अब इसको भी हम आयरन कर देंगे ताकि वो क्रशेस अच्छे से विजिबल हो हमें, और इस तरह से इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे, जिसके लिए मैंने 6 इंच भी ले सकते हैं और इस तरह से बटन पट्टी की साइड पर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए ये मैंने पॉकेट को फिक्स कर लिया है। इसके साइड के कॉर्नर्स में भी एक हल्का सा स्क्वायर दे दीजिए ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये फिक्स हो गया पॉकेट, बहुत अच्छे से फिनिशिंग भी आई है अगर आप इस तरह से स्टिच करते हैं। अब दोनों बैक और फ्रंट के पैनल के शोल्डर को हम इस तरह से अटैच कर देंगे, और सबसे पहले ये फुल गले की मैं मार्जिन ले रही हूँ कि टोटल 16 आ रहा है, जिसके लिए मैंने 2 इंच का बकरम लिया है और उसे डबल फोल्ड किया और 16 में मैंने हाफ करते हुए इस तरह से 8 पर मार्जिन लगाया है, और 1.25 इंच का मैं यहाँ पर डाउन की तरफ ले रही हूँ, और जहाँ पर 8 का मार्जिन था वहीं से 2 इंच अंदर की तरफ दबाया है और यहाँ पर हल्के 2 पॉइंट इस तरह से 2 पॉइंट हल्का डाउन किया और मैंने ये स्ट्रेट एक शेप दे दिया। हाई नेक के लिए कॉलर लगाना है हमें और 1-1 इंच का मैं इसका पैनल रेडी कर रही हूँ। इस तरह से ये हाई नेक बहुत परफेक्ट और अच्छी तरह से बैठ जाएगा, ये देखिए, और इसे हम कट कर लेंगे और इसे हम एक फैब्रिक के ऊपर आयरन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। इस तरह से मैंने 2 फैब्रिक सेम मेजरमेंट के काट लिए हैं और ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों को हम अटैच कर लेंगे डाउन की तरफ। एक स्टिच एग्जैक्ट बॉर्डर की तरफ से हमें लगाना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो डाउन की तरफ काट लेंगे और इसे पलट लेंगे और अच्छी तरह से इसको भी दबा देंगे ताकि वो फिक्स बैक का भी जो फैब्रिक है वो भी अच्छी तरह से विजिबल हो।
अब हमें स्टिच लगाना है जिसकी वजह से दूसरे फैब्रिक में कहीं पे भी ऊपर नीचे ना हो, तो मैं ये एक मार्जिन लगा रही हूँ। ये इजी एक तरीका है और परफेक्ट आप लगा सकते हैं। उसके सेंटर में भी मैंने एक कट कर दिया है और जो हमारा कॉलर था बैक साइड से मैंने इसे स्टार्ट किया। ये देखिए कुर्ते के बैक साइड के मिडल पोर्शन से इक्वली मैं दोनों साइड पर इस तरह से जो मैंने मार्जिन लगाई थी सेकेंड फैब्रिक के ऊपर वहीं से मैं स्टिच कर रही हूँ और एग्जैक्ट कॉर्नर टू कॉर्नर दोनों हमारे फिक्स हो गए क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट मार्क था। इस वजह से ये देखिए और जो सेकेंड साइड था वहां पर भी मैं सेम मार्जिन के ऊपर फ्रंट तक इस फैब्रिक को लेते आ रही हूँ। टर्निंग में भी आप इसे खींचिएगा मत, आराम से कीजिए और जहां पर टर्न आया है वहां पे हल्का कट लगा दिया और अब हम इसे फ्रंट की साइड से इस तरह से अच्छे से उसे फिक्स कर लेंगे। अगर आपको कॉलर की परफेक्ट फिटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊंगी। अब स्लीव्स में भी हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है और उसके स्लीव्स के डाउन में मैंने हल्का सा फोल्ड किया और जो मार्जिन था उसके अकॉर्डिंग मैंने हिप लाइन तक इसे स्टिच कर दिया है दोनों साइड पर। और ये देखिए एंड को हम इस तरह से इसे स्टिच कर देंगे फोल्ड करते हुए दोनों एंड में, जैसे हम कुर्तीज में करते हैं सेम वैसे ही मैंने किया है। हल्का सा यहाँ पर स्क्वायर शेप दे देना है और ये हमारा इस तरह से दोनों साइड पर अच्छी तरह से फिनिशिंग देते हुए डाउन पे भी मैंने इस तरह से फोल्ड किया और ये हमारा कुर्ता रेडी है। बहुत ही इजी है इसे बनाना। अगर आप अच्छी तरह से इसे कटिंग और मेजरिंग करेंगे तो बहुत सुंदर सा आप घर पर ही इस तरह के कुर्ते डिजाइन्स बना सकते हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल का नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि मैं आगे जो नए नए वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मेरे चैनल्स में बहुत DIY प्रोजेक्ट्स में लेकर आती रहती हूँ, साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट्स लेकर आती हूँ जिसे आप इजिली बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।